नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सीएचओ भर्ती 2024 के बारे में। उत्तर प्रदेश सीएचओ भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन 21 तारीख को वायरल हुआ था, सभी ग्रुप, सभी व्हाट्सएप चैनल और इसके साथ साथ सभी यूट्यूब चैनल वगैरह सब ने एक ही चीज़ बताई है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 अप्रैल से शुरू होकर 4-6 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आया था, इसलिए मैंने आज 104 पर कॉल करके मैंने बात भी करी थी। बात करने के बाद उन्होंने बताया जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो आपको बता दूंगा। उन्होंने जो जो बात मेरे को बताया वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहली बात तो बता दूं, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इस डेट को नहीं हो रहा है, ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से फेक है, ठीक है। जिस भी यूट्यूबर ने, मैंने पहले ही जो ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाला था, तब मैंने एक चीज़ डाली थी, अगर आपने ध्यान दी हो तो, यहाँ पर मैंने लिखा था कि UPCHO नोटिस वायरल बट नॉट ऑफिशियल अपडेट। ये सच भी हो सकता है और झूठा भी। मैं इसकी कंफर्म पुष्टि नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियल अपडेट पर, जब तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं आ जाता। तो वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है और इसमें बताया गया था कि 27 मार्च तक आपको इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा कि आपको मेल वगैरह आ जाएगी, चीज़ इसमें बताई गई थी। लेकिन ये पूरी तरह से फेक है। ये इसमें जो चीज़ें हैं उन्होंने यही बोला कि अभी तक UPCHO के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। जो वहाँ पे कोई कलाम सेंटर में कोई जानकार भी है, उससे बात हुई थी कि हमारे पास कोई भी UPCHO के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी रखें नहीं रखें। और UPNHM में भी बात हुई थी, जो इन्होंने नंबर दे रखे थे टोल फ्री, उस पर भी बात हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि जो भी अपडेट आएगी वेबसाइट पर आएगी, आपको कम से कम 5-6 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू कि आपका इस डेट से DV हो सकता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप किसी भी फर्जी नोटिस से या फर्जी अपडेट से पैनिक बिल्कुल भी ना होए। 5582 पदों पर ये वैकेंसी थी और जब तक वेबसाइट पर अपडेट आएगी उसी के बाद आप रियल मानना। तो आप अपने एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम, जैसे कि UPMS का एग्ज़ाम 30 को है, किसको, 30 मार्च को है, इसके साथ 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम है और 30 तक किसके एग्ज़ाम है, 30 तक आपके जो KSSI के एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, KSSI नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप इन एग्ज़ामों पर फोकस करिएगा। अभी UPCHO के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है और ये डेट बिल्कुल फेक है, मैं इसको फेक आपको बता रहा हूँ। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो कुछ गालियाँ तो देने वाले आएंगे, तो गालियाँ देख के चले जाएंगे, लेकिन ये अपडेट बिल्कुल फेक है। 1 अप्रैल से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 26 को वैसे हॉलीडे है, 25 को हॉलीडे है, तो आप भी इस चीज़ को, आप 25 को हॉलीडे है, 26 को हॉलीडे है, तो हॉलीडे के चक्कर में ये सब कुछ फेक मान रहा हूँ, ठीक है। तो फेक है नोटिफिकेशन, कोई भी यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है, डेट यहाँ पर 20 तारीख डाल रखी थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन साथ। कट ऑफ के रिगार्डिंग में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप पूछो, उससे अच्छा है कि आप वेबसाइट पर जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से देख लेना कि क्या कट ऑफ जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी आएगी UPCHO के रिगार्डिंग, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई भी नोटिस आता है फर्जी, लोग बाग उसको अपडेट दे देते हैं, कहीं भी वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं कि हाँ इस डेट को हो सकता है। टेंटेटिव डेट आपकी 1 अप्रैल नहीं है, जो भी डेट आएगी थोड़े डिले आएगी, हो सकता है नॉर्थ सेट के बाद या नॉर्थ सेट के आसपास आपको डेट टपका सकते हैं, UPA कुछ भी कर सकती है, ठीक है। दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।